करके इसको भर देंगे मिट्टी को हम, इसकी जड़ें हिलनी नहीं चाहिए ज़्यादा। और फिर आप इसको एक बार पानी दे करके भूल जाइए, हफ्ते 10 दिन के बाद इसमें फिर से पानी दे दीजिए। उसकी पत्तियों में आप सुंदर चमकदार दिखने के लिए हल्का हल्का स्प्रे करते रहेंगे पानी की, तो पत्तियाँ चमकदार और फ्रेश दिखेंगी। बस इतना ही बहुत है इसके लिए। और इसको हम सेमी शेडेड एरिया में रख देंगे। और ये देखिए मैंने कितने सुंदर सुंदर खूबसूरत से दो क्यूट क्यूट प्लांटर्स रेडी कर लिए हैं, और ये रेडी हैं अभी मेरे ऑफिस में जाने के लिए और वहाँ की खूबसूरती बढ़ाने के लिए, और बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। और ये देखिए और भी कितने सारे बच गए हैं प्लांटलेट्स। आपको अगर ये पॉट्स पसंद आए तो आप भी अमेज़ोन से ऑर्डर कर सकते हैं। आई थिंक ये मुझे 250 के 6 पड़े थे, बहुत ही अफोर्डेबल लगे मुझे। और थोड़ा सा इसमें येलोइश मार्क है, अगर आप इसको बोदर नहीं करते हैं तो आप इसे ख़रीद सकते हैं। तो आपको स्नेक प्लांट का मेरा ये वीडियो, इसके बारे में इन्फॉर्मेशन, प्रोपगेशन और ये प्लांटिंग और स्पेशली मेरे ये पॉट कैसे लगे बताने के लिए प्लीज़ कमेंट करें, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर दीज वीडियोज़। थैंक यू सो मच।